पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में आज आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें एसओजी की टीम तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची। ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और शम्मी बिश्नोई की कोर्ट में पेशी हुई है, जबकि कल ही तीनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में एक और नई कड़ी जुड़ गई है और वो हाथरस से है। दरअसल हाथरस सत्संग त्रासदी वाले भोले बाबा का अब राजस्थान कनेक्शन भी खुलकर सामने आया है। दरअसल दौसा से पेपर लीक मामले में एसओजी ने हर्षवर्धन मीणा नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है, उसके घर में बाबा का भव्य दरबार लगता था, जिसके तहत इस एंगल से भी एसओजी और पुलिस सहित जांच एजेंसियां अनुसंधान में जुट गई हैं कि बाबा का राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में कहीं पेपर लीक मामले में भी तो लिंक नहीं है। प्रदेश की एसओजी पेपर लीक मामले की जांच में सक्रिय है और वो बाबा भोले की तलाश में जुटी है। फिलहाल पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन मीणा पटवारी के मकान को एसओजी की कस्टडी में सील किया हुआ है। हर्षवर्धन मीणा एसओजी की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजस्थान पेपर लीक केस में नया खुलासा हुआ है। लंबे समय से वांटेड तीन इनामी आरोपियों को राजस्थान पुलिस हैदराबाद से पकड़ कर लाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रीट टीचर एग्जाम 2022 और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के पेपर लीक में अहम भूमिका निभाई थी। पेपर लीक की तह तक जाना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है और राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस पेपर लीक्स के जो अन्य केसेस हैं उसमें बड़े से बड़े खुलासे किए हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग जेल में हैं पेपर लीक जिन्होंने किए हैं उस माफिया से जो लोग जुड़े हुए हैं। अब राजस्थान पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। तीन जो पेपर लीक, जो एसआई पेपर लीक और रीट भर्ती परीक्षा में शामिल थे, उन्हें पकड़ा है और इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इन तीनों आरोपियों ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और शम्मी बिश्नोई को पकड़ने के लिए पुलिस ने तीन अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। पहले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजवृक्ष। यह ऑपरेशन शम्मी बिश्नोई को पकड़ने के लिए चलाया गया था। शम्मी बिश्नोई पेशे से स्कूल टीचर है और सांचौर की चितवालना के एक स्कूल में कार्यरत है। पहले भी पेपर लीक से तार जुड़े होने की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन स्कूल में अटेंडेंस बराबर लग रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक नहीं कई सारी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ चुकी है। पुलिस का मानना है कि ये एक प्रोफेशनल डमी कैंडिडेट के रूप में कई परीक्षाओं में बैठी है। साथ ही शम्मी पेपर लीक माफियाओं के संपर्क में रहती थी। पेपर उसके पास होता था क्योंकि वो डमी का काम करती थी, लेकिन इसके साथ साथ बड़े रकम के लिए शमी पेपर बेचती भी थी। बिश्नोई के लिए हम लोगों ने चला रखा था ऑपरेशन राजवृक्ष। राजवृक्ष शमी का मतलब खेजड़ी होता है, खेजड़ी राजस्थान का राजवृक्ष है, तो इस तरीके से उस पर ऑपरेशन राजवृक्ष चलाया गया था। सुनील के लिए ऑपरेशन डीप ब्लू था। प्रकाश ढाका के लिए जी को कहते हैं भंग। और ये गोरक्षा यात्रा है जा रही है, गोरक्षा यात्रा, और कोई महिला इसमें आरती करती हुई दिख रही है। दो महिलाएं आपको, उसमें से एक शम्मी बिश्नोई है, आप देख सकते हैं इसको। और ये गोरक्षा यात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में गायें जा रही हैं, गोरक्षा यात्रा, और कोई महिला इसमें आरती करती हुई दिख रही है। दो महिलाएं आपको, उसमें से एक शम्मी बिश्नोई है। ओम प्रकाश ढाका और सुनील बेनीवाल को पकड़ने के लिए जोधपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन शिवबंगा और ऑपरेशन डीप ब्लू।
ओम प्रकाश से शिव का नाम जुड़ा और ढाका के लिए बंगा यानी बांग्लादेश और सुनील के लिए चलाया गया ऑपरेशन डीप ब्लू, जिसमें ओम प्रकाश और सुनील पकड़े गए। तो ये काफी दिनों से गायब थे, शुरू में इन्होंने जगह बदली और बाद में फिर इन्होंने अपना ठिकाना हैदराबाद को बनाया। गैंग के कुछ सदस्य या इनके कुछ सहानुभूति रखने वाले देश के बाहर हैं, विदेश में हैं। उनको तकनीकी रूप से जब हम लोगों ने मॉनिटर किया तो हैदराबाद एक संदिग्ध डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आया कि हैदराबाद हो सकता है जो संदिग्ध है। कुछ सांचौर इलाके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट भी हैदराबाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। कुछ विदेश से आने वाली कॉलें भी हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद भी कनेक्ट होती थी और राजस्थान भी कनेक्ट होती थी, इस तरह के कनेक्शंस काफी बड़े, तो हैदराबाद हमारे रडार पे आया। फिर धीरे धीरे इसी चीज को हमने जब डेवलप किया तो हैदराबाद के रहने वाले करीब एक दर्जन व्यक्ति जो राजस्थान के थे, हैदराबाद में स्वरोजगार में या कहीं इम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे, उन पर शक की सुई जाकर खड़ी हुई। परंतु कहीं से भी तकनीकी रूप से, चाहे फोन कॉल हो या बाकी टेक्निकल डिवाइसेस का इस्तेमाल हो, बिल्कुल ही ब्लैंक था। तो इस आधार पे हमने, वैसे बताना तो कम चाहिए बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि इनका टीवी पैटर्न जो था, चैनल पैटर्न जो था, इन 19 लोगों का, 12 13 लोगों का चैनल पैटर्न और गैस सिलेंडर की खपत का पैटर्न पढ़ा तो काफी टाइम तक चला। अंत में एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, जो लोहे की स्टील की रेलिंग्स बनाने का काम करता है, अकेला रहता है वहां पे, उसका परिवार नहीं रहता। पिछले 3 महीने में कई सारे नई चैनल्स, राजस्थान से लगने वाले चैनल्स, खास करके समाचार चैनल्स का उससे सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से उसके घर से हो रहा था और दिन में चल रहा था, जबकि दिन में वो स्टील रेलिंग के काम में जाया करता था। और दूसरा, पहले 2 महीने पे तकरीबन 2 महीने पे एक सिलेंडर गैस में उसका सप्लाई हुआ करता था और अभी इधर पिछले 3 महीने से हर 15 दिन पे एक गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही थी। पुलिस के लिए इतना काफी होता है। और उसके आगे का ऑपरेशन हमने आपको दिखाया कि रात के 2 बजे हमने HPCL के दिल्ली के बड़े अधिकारी को फोन करके उठाया उनको कि हमको एक आदमी का 17 डिजिट ये नंबर चाहिए। उन्होंने कहा ये कौन सा टाइम हो गया, रात के 2:30 बजे आप सब्सक्रिप्शन नंबर मांग रहे हो। हमने कहा अगर आपको जगाया है तो हम भी जगे हुए हैं, तो हम भी जगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, इसी के लिए जगे होंगे। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे से लिया और 5 मिनट में वो 17 डिजिट नंबर आया। उस 17 डिजिट नंबर से हमारे पास वो लोकेशन आ गई कि कहाँ पे ये नंबर स्टैब्लिश है, बट ये नंबर भी जो लोकेशन दिया हुआ था ये बहुत प्रॉपर नहीं था। प्लॉट नंबर 1, फ्लैट नंबर 351, विजयपुरी, सरूरपुरा। अब इस एड्रेस से 500 अपार्टमेंट है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। तो फिर सुबह तक का इंतजार किया हम लोगों ने, हीरा गैस एजेंसी थी, हीरा गैस एजेंसी के पास गए, ये 17 डिजिट नंबर बताया, कौन गैस पहुंचाने जाता है उसकी जगह, फिर हमारा आदमी HP का, जो आपने देखा HP का ड्रेस पहन के गैस पहुंचाने के नाम पे गया, सिलेंडर चेक करने के नाम पे गया, वहां गए और वहां पे ये दोनों सुनील और ओम प्रकाश मौज करते मिले उन्हें। वहां हम लोगों को वहां पे मौज करते मिले, हमने कहा मौज का सामान यहां दूर रह के ज्यादा नहीं है, मौज का ज्यादा अच्छा सामान हम आपके लिए राजस्थान में व्यवस्था कराते हैं, तो यहां ले आए। और ये जोधपुर पुलिस की वो जाबाज टीम है जिन्होंने ये तीनों ऑपरेशन चलाए। कुछ पुलिसकर्मी राधा कृष्ण भक्त बनकर कई दिनों तक वृंदावन में शम्मी को पकड़ने के लिए घूमे, तो जोधपुर की दूसरी टीम हैदराबाद में गैस डिलीवरी बॉय के रूप में ओम प्रकाश और सुनील तक पहुंची। इसमें सबसे बड़ा कैच है ओम प्रकाश ढाका, इसके ऊपर SOG ने 75,000 रूपए का इनाम घोषित किया है। ये रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल था। इसका काम था लीक पेपर के लिए ग्राहक उपलब्ध करवाना। जगदीश बिश्नोई जो पेपर लीक का सरगना माना जाता है, ओम प्रकाश उसका सहयोगी रहा है। ओम प्रकाश आत्मसमर्पण करना चाहता था लेकिन SOG ने उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। ओम प्रकाश की राजनीति में भी रुचि है, इसकी मां सांचौर जिले में सरनाऊ से प्रधान है।
सुनील बेनीवाल 25,000 का इनामी है। जगदीश विश्नोई जो पेपर लीक का बड़ा माफिया है और जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसके फार्म हाउस की देखरेख करता है और साथ ही पेपर लीक का व्यापार है। इसे पुलिस की भाषा में हैंडलर कहते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक्स का काम करना, कैंडिडेट को सेंटर तक पहुंचाना और कभी कभी उन्हें रास्ते में सवाल पढ़वाना। बात शम्मी विश्नोई की करें तो जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो ये मीराबाई के भजनों में मगन थी। बरसाना और वृंदावन में रहकर पूजा और आरती में लीन, पुलिस खुद भेष बदल कर इसके पीछे लगी और कई गौरक्षा यात्राओं में शामिल हुई। फिर आखिर एक जगह ये आरती करते हुए मिल गई। शम्मी पर 50,000 का इनाम था। ये बरसाना में किराए के मकान में रह रही थी और फरारी काट रही थी। यूपी के ऑपरेशन में शम्मी बिश्नोई पकड़ी गई है। शम्मी बिश्नोई 70,000 का इनाम है इसके ऊपर, पेपर लीक कांड में। ये एसओजी के अलावा बालोतरा में भी 2021 के इसी तरीके के घोटाले में वांछित रही है। शम्मी बिश्नोई की जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने काम किया और उसकी वर्तमान गतिविधियों पर काम किया तो ये समझ में आया, ये जानने में आया हम लोगों के कि वो आजकल मीरा और राधा की भक्त हो रही है और पति से भी दूर रह रही है और मीरा और राधा के पैटर्न पे चल रही है। इस आधार पे हम लोगों ने मीरा और राधा के मंदिरों पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। राजस्थान के सभी मीरा के ठिकानों पर गए और सब कुछ किया। अंत में एक क्लू हम लोगों के पास ये आया कि इसके परिवार की, कि इसके बहन की बेटी, शम्मी बिश्नोई के बहन की बेटी का बहुत ज्यादा जाना वृंदावन के आसपास हो रहा है और वो धार्मिक दृष्टि से जाना आना हो रहा है। फिर उससे हमने थोड़ा सा खुलासा किया तो उसने बताया कि मौसी आजकल यात्राओं में बहुत भाग ले रही हैं और आरती वारती करने में उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर हमारी टीम वहां पे राधे राधे करते हुए उस टीम का सदस्य होके जो भी यात्रा वृंदावन बरसाना गोवर्धन के क्षेत्र में गुजरती थी उन यात्राओं में पार्टिसिपेट करती रही। फाइनली एक ऐसी गोरक्षा यात्रा में अपने मकान मालकिन के साथ आरती करती हुई इनको हमने पहचान लिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन करके इनको वहां से, वो कहां गई, किस घर में गई, एक दो दिन के बाद वहां से उनको दस्तयाब कर लिया। जो तीन आरोपी पकड़े कर जोधपुर रेंज की टीम ने हमें पेश किया है, उन तीनों में जो ओपी ढाका है ये एक महत्वपूर्ण आरोपी है, क्योंकि जगदीश बिश्नोई गैंग के द्वारा शुरू से जो पेपर लीक किया गया था उसमें ओपी ढाका एक होलसेलर की भूमिका में है। होलसेलर से मतलब यह है कि थोक की संख्या में कैंडिडेट उपलब्ध कराना, उनको पेपर उपलब्ध बेचना, उनके बदले डम्मी बिठाना, ये दोनों ही तरह की गतिविधियों में काफी लंबे समय से सक्रिय रहा है। पहले भी कई मुकदमों में इसका चलान हुआ है। जो शम्मी बिश्नोई है यह खुद अब काफी परीक्षाओं में महिला कैंडिडेट के बदले डमी बैठने का काम करती है और इसने डमी खुद सरकारी टीचर होते हुए भी कई लोगों के बदले इम्पर्सोनेट करके और परीक्षा इसने पास कराया है। पेपर लीक को लेकर राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लगातार कई खुलासे किए हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट भर्ती परीक्षा 2021, कनिष्ठा अभियंता भर्ती परीक्षा 2020, हाई कोर्ट लिपिक परीक्षा 2020, ये वो तमाम पेपर हैं जो लीक हुए हैं। लेकिन जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इसमें सरकारी अधिकारी बड़ी संख्या में लिप्त हैं। जैसे कि शम्मी बिश्नोई सरकारी स्कूल टीचर है, आज भी 92 सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एसओजी को शक है कि ये पेपर लीक से जुड़े हुए हैं या इनकी भूमिका पेपर लीक में संदिग्ध रही है। एसआई भर्ती परीक्षा और रीट परीक्षा में बड़े पैमाने पे युवाओं ने इस उम्मीद से परीक्षा फॉर्म भरा था कि वे भी मेहनत करके, तैयारी करके जाएंगे, परीक्षा में परीक्षा देंगे और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं इंटरव्यू की प्रक्रिया से नौकरी पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बड़े पैमाने पे इन दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं और उसके बाद अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अगर रीट की बात करें तो इसमें 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी
उस वक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन उसमें भी कई तरह की शिकायतें अब भी सामने आ रही हैं। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था और 800 पदों के लिए, 800 से कुछ अधिक पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित हुई थी। अब इस परीक्षा में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, न सिर्फ पेपर लीक बल्कि डमी कैंडिडेट बिठाने तक की पुष्टियां हो चुकी हैं एसओजी की जांच में। अब ये देखना है कि इन दोनों भर्ती परीक्षाओं से जो लोग गलत तरीके से जिन्होंने नौकरियां पाई हैं उस पर किस तरह का एक्शन अंततः हो पाता है, क्या उनके खिलाफ इतने पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो पाते हैं जो उनको नौकरी से बाहर करने और योग्य युवाओं को इस पूरी प्रक्रिया में भरोसा दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। पेपर लीक में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कहीं न कहीं इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेपर लीक करने के कई तरीके हैं और यहाँ पर जो माफिया है वो अलग अलग तरीके से सक्रिय है। कभी तो एक दूसरे से कम्पीट करती है तो कभी तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलती है, लेकिन जो उनका मोडस ऑपरेंडी है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। पहले कहीं ना कहीं से वो पेपर लीक करवाती है, उस पेपर को लीक करवा के उसका फोटो खींच के और फिर लोगों तक पहुँचाती है। इसमें भी जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए लोग हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो पेपर लीक के होलसेलर होते हैं, वो ग्राहक ढूंढते हैं और फिर वो जो पेपर उनके हाथ आता है वो पेपर उन लोगों तक बेच देते हैं, बड़ी बड़ी रकम के लिए बेच देते हैं। और जो तीसरा मोडस ऑपरेंडी है वो है डमी कैंडिडेट बिठाने का। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक माफिया है उन्होंने देख लिया है कि डमी कैंडिडेट कैसे बिठाया जा सकता है, यानी कि मेरे जगह किसी और को बिठा के पेपर दिया जाए। साथ ही फर्जी डिग्री का भी खेल हो रहा है, जो भी आवेदन करता है उसको उस पद के लिए डिग्री चाहिए तो ऐसी यूनिवर्सिटी से संपर्क करता है जो कोई छोटे दूर दराज इलाके में हो और फिर उस यूनिवर्सिटी से फेक डिग्री लेकर आवेदन करता है। इसमें जो शम्मी बिश्नोई का नाम आ रहा है वो बताया जाता है कि वो डमी कैंडिडेट बैठने की मास्टर थी, खुद ही वो एक टीचर थी, लेकिन उसने एक नहीं अनेकों बार वो डमी कैंडिडेट बैठी है अलग अलग असली कैंडिडेट्स के लिए। हमारे साथ हैं एडीजी वीके सिंह साहब, एसओजी एडीजी हैं। वीके सिंह साहब, जो आपने 3 लोगों को आज पकड़ा है उनकी भूमिका के बारे में बताइए और कितने बड़े किंगपिन हैं ये। इसमें जो ओम प्रकाश ढाका है, ये जगदीश बिश्नोई जो मेन पेपर लीक करने वाला गैंग लीडर है, इसके टीम का बहुत सक्रिय सदस्य रहा है शुरू से ही। जब से जगदीश ने ये काम शुरू किया वो ओम प्रकाश काफ़ी शुरू से ही है और कई बार ये पकड़ा जा चुका है पहले भी पेपर लीक के केसेस में। ये एक होलसेल डीलर की तरह है जो कैंडिडेट गैंग्स में ले कर आता है उनको पैसे के बदले पेपर देने के लिए या उनके बदले डमी बैठाने के लिए। तो ये पहले भी कई मुकदमों में पकड़ा गया और फिर ये जब सख्ती चालू हुई थी तो ये फरार हो गया था। ये थोड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल भी है, कनेक्टेड है। इनपुट ये भी है कि इसने जो इस तरह से अवैध पैसे कमाए हैं उसको लगा के अपने एक परिवार के सदस्य को इसने प्रधान का चुनाव जिताया था और रिमोट से ये प्रधानी चलाने की कोशिश कर रहा था। तो जब SIT का गठन हुआ और SI ने एक एक करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना शुरू किया था तो ये राजस्थान छोड़ के गायब हो गया था। इसके साथ ही जो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर लेडी छमी बिश्नोई, वो हर परीक्षा में डमी बैठने का काम करती थी। वो पैसे लेती है 10-15 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन एग्जाम और वो किसी न किसी के बदले बैठ के वो परीक्षा लिखती है। इसमें भी हमारे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी उसने दूसरों के बदले परीक्षा दिया है। और जो रिसेंटली पता चला है कि वो भी, चूँकि उसको पेपर मिलेगा ये गारंटी है क्योंकि वो गैंग के तरफ से ही वो परीक्षा देती थी, तो आगे वो पेपर बेचने का भी गैंग को बिना बताए वो भी आगे काम करती थी, ऐसा इनपुट है अभी। तीसरा जो सुनील बिरावा है वो जगदीश का मददगार है, छोटे मोटे कैंडिडेट वो भी उपलब्ध कराता है इनको परीक्षाओं में। सर, एक और एंगल आ रहा है कि जो मीणा को जो आपने डौसा से पकड़ा था, जो अभी SOG की गिरफ्त में है, हथरास में जो अभी जो हादसा हुआ है उसके प्रॉपर्टी में, वो हथरास का एक तरह से आश्रम चल रहा था उसी बाबा का। आपको याद होगा दौसा का एक हर्षवर्धन मीना को हम लोग नेपाल से पकड़ के लाए थे। वो हर्षवर्धन मीना था जो आश्रम उपलब्ध कराता था, उसी की जमीन में आश्रम था और ये बाबा वहीं रहता था। हर्षवर्धन की तलाश में जैसी जैसी टीमें वहाँ दबिश देने लगी तो ये बाबा यहाँ से जगह छोड़ के चला गया था। और चूंकि हमारे केस में वांटेड भी नहीं था और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था तो हमने भी तलाशी नहीं की। ये कल के
जो टीवी न्यूज हुआ है उससे जो हमारे टीम के लोग गए थे मौके पे, उन्होंने बताया कि ये सेम आदमी है जो इस घटना से संबंधित है। तो सर, हम देख रहे हैं कि जब से SIT का गठन हुआ है उसके बाद में कई सफल परीक्षाएं हो गई हैं विदाउट एनी अनटुवर्ड हैपनिंग, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि उसका श्रेय आपकी टीम को जाता है। देखिए, मैं ये श्रेय SIT को नहीं देना चाहता, ये सब लोगों का मिला जुला प्रयास है, गवर्नमेंट का, SIT का, जिला प्रशासन का, और विशेष तौर से जो हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं RPSC, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और जो डिपार्टमेंट जिन्होंने एग्जाम कराए हैं। और एक काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज तक लगभग 100 परीक्षाएं राज्य सरकार की आयोजित हो गई, छोटी बड़ी, और सभी परीक्षाएं निर्बाध रूप से बहुत शुद्ध तरीके से और सिंसियरली कंडक्ट हुई हैं, और उनमें कहीं कोई तरह का कोई शिकायत या गड़बड़ी की सूचना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो AG VK सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें हैदराबाद से पकड़ के लाई है राजस्थान पुलिस, उनका क्या रोल था इस पूरे पेपर लीक केस में। पेपर लीक माफिया बड़ी रकम कमा के समाज में रसूख पाना चाहते हैं। हाल ही में दौसा से गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन मीणा, जो कि पटवारी है, उसने अपने घर में आश्रम खोल रखा था, और अब हर्षवर्धन दोबारा चर्चा में है क्योंकि हाथरस में हुए हादसे के भोले बाबा उसके घर पर आकर प्रवचन देते थे। हर्षवर्धन मीणा ने घर को आश्रम की तरह सजा रखा था, SOG ने अब इसे सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो भगदड़ हुई उसके अंदर करीब 122 लोगों की मौत हुई, जिसका कनेक्शन जो बाबा है भोले, उनका कनेक्शन इस दौसा जिले के मुख्यालय से भी है। मैं कैमरा में से बोलूंगा कि ये जो ये आश्रम है, ये आश्रम के अंदर यहाँ पर बाबा आते थे और यहाँ पर रुका करते थे, और भक्त जो उनके मिलने जो भक्त है वो उनके उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और दरबार सजाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घर SOG की गिरफ्त में है, क्योंकि इसके जो मालिक है वो है हर्षवर्धन पटवारी, जो SOG की गिरफ्त के अंदर फिलहाल है, जिनके अंदर पेपर लीक से जुड़े मामले के अंदर इनको ये गिरफ्त में SOG की में, तो जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार किसी भी बोलूंगा दिखाना चाहेंगे कि ये जो SOG है उसने यहाँ पर इसको सील कर रखा है। और जब ये 29 फरवरी 2024 को जब SOG की टीम यहाँ जब पहुंची थी तो उसके अंदर यहाँ पर SOG ने इसको सील किया था, और जो बाबा है उनका जो कनेक्शन, जो बोले का जो कनेक्शन बताया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो फिलहाल तो ये खाली है क्योंकि सील लगी हुई है, और लोग बाग जो इनके भक्तजन है वो यहाँ पर आते थे, लंबी भीड़ वगैरह थी, ऐसा लोग बाग कहते हैं, हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर क्या क्या होता था उस समय यहाँ पर जब ये बाबा का जो लोग बाग आते थे? आप लोग नहीं, आप नहीं आते थे यहाँ पर, और लोग तो आते थे। कितने लोग होंगे, कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर? 60,000 के आसपास। कब से बंद है ये? ये हर्षवर्धन पकड़ में आया जब से बंद है। उसी का था, ये उसी का है जब से ये बंद है। लेकिन यहाँ पर जब बता रहे थे बाबा का दरबार सस्ता था उस समय, तो कितने यहाँ पर कौन स्थानीय लोग जाते थे? आप लोग जाते थे? अपन नहीं आते, यहाँ की पब्लिक कोई नहीं आती, बाहर की आती। बात है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर क्या होता था? महात्मा था, प्रवचन होता है, ढोंग है, पता नहीं है वो महात्मा था ढोंग था क्या था, लेकिन ढोंग मानते हो। अच्छी पब्लिक आते थे, स्थानीय लोग भी आते थे? स्थानीय बहुत कम, स्थानीय कोई नहीं, बहुत कम आते हैं, सब बाहर के आते हैं, पता नहीं यूपी के आते हैं। कहाँ के बाबूजी, कहाँ के आते हैं? यूपी साइड के ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, जो इनका स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग बाग आते थे वो यहाँ के नहीं, स्थानीय ना होकर अन्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, अंदर से भी देखना चाहेंगे कि जो ये हर्षवर्धन जो पटवारी पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो SOG की गिरफ्त में ये उसका ही आलिशान मकान है, और यहाँ पर इसके अंदर दरबार सजता था, और यहाँ पर जो भक्तगण है वो बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। भीड़ भी, अगर भीड़ की भी बात करें तो लगभग करीब 60,000 से 1,00,000 तक भी भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। साथ में यहाँ पर जो लोग बाग है, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जब यहाँ पर दरबार लगता था तो स्थानीय लोगों को यहाँ पर इजाजत नहीं हुआ करती थी, बाहर के जो लोग हैं बस केवल वो ही यहाँ पर आकर जो बाबा है उसके दरबार के अंदर आते थे। लेकिन बीते दिन जो घटना हुई है उसके अंदर 122 लोगों की जाने गई है, उसका कनेक्शन भी दौसा जिले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हर्षवर्धन पटवारी जो पेपर लीक जो प्रकरण के अंदर
जो गिरफ्त में एसओजी की में कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को भी इस बाबा से जोड़कर देखा भी जा रहा है। एक बार और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जो ये बाबा है जो यहाँ पर ये हर्षवर्धन पटवारी का जो घर है या आलीशान यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है वो हटा दिया गया है फिलहाल। इसके अंदर सहयोगी से बोलना चाहूंगा, एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो बोर्ड आगे जो लगा हुआ था ये आश्रम के आगे जो दरबार था उसके अंदर ये बोर्ड लगा हुआ था कि सभी देवी देवता तुल्य भाई बहन के चरणों में प्रार्थना है कि नारायण श्री हरि महात्मा गांधी एवं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर के परामर्श एवं सलाह से ग्रामीण परिवेश के आवेदन लेने वाले और स्वास्थ्य का लाभ लेने वाले स्वयं निज प्रवास पर है। वर्तमान में कोई समागम यहाँ नहीं चल रहा है, अतः यह प्रार्थना है कि श्री हरिनारायण प्रवास पर आने का कष्ट नहीं करे। ये ऐसा लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है निवेदक निज दौसा निज निवास दौसा। और जो ये हर्षवर्धन पटवारी है इसके घर पर यहाँ पर दरबार सजता था। लोकबाग उत्तर प्रदेश और भी कहीं जो अलग अलग जगह है वहां से लोकबाग आया करते थे।